Hey guys, assalamualaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. Kya haal chaal hai Shazia aapke? Walaikum assalam. Bilkul theek thaak. Monday morning chal rahi hai. Sardi ho rahi hai. -3 ho gaya tha yahan. Oh my goodness. Main to soch bhi nahi sakti. Aapki sweater badi achhi lag rahi hai. I like it. Thank you. It's lighter than a sweater. -3 aur main bahar walk pe jaane wali thi lekin phir drama cup ho gaya aur main subah 7:30 baje I'm going out for a 20 minute walk. Why? Because the book I'm reading tells me I should do it. It's going to increase my dopamines, which is going to be good for me because it will help me work better. However, wo jo subah ka uth ke taiyar hona hai na 6 baje and especially Monday morning it's killing me. So today wo shaam ko kar sakte walk ya nahi hai, subah hi karni hai. Nahi, because it will affect your day. Subah if you do it for 20 minutes, actually to heavy exercise hai, main wo to nahi kar rahi hu. I'll just do a brisk walk and some stretches. It will actually वो जो फियर के होते हैं ना हॉर्मोन्स जो किक इन करते हैं जिसकी वजह से यू परफॉर्म बेटर दैट विल हैपन इफ यू डू इट इन द मॉर्निंग इन शॉर्ट फॉर्म सो इट्स इम्पोर्टेंट टू डू इट इन द मॉर्निंग तो चलिए राबिया कल से शुरू हो जाए तैयारी पकड़ लें एक्सरसाइज हमें बहुत दूर दूर की चीजें बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए सब करना मैं इट्स नॉट जस्ट वॉकिंग इट्स 20 मिनट्स ऑफ दैट एंड 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन या प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस 20 मिनट्स ऑफ प्लानिंग योर डे रीडिंग समथिंग इंस्पायरिंग एक घंटे का मैजिक आवर होता है जिसमें आप अपना फोन नहीं उठाएं और कोई और काम ना करें सो इट्स वेरी कॉमिंग एक्चुअली मुश्किल है मेरे लिए मैं और मेरा फोन अक्सर ये बातें करते हैं तुम ना होते तो क्या होता तो ये बात है ओके जी वी हैव दिल मोमिन इश्के ला मेरे हम सफर इब्ने हव्वा संगे माँ सिंफे आहन बिछड़ गए 7 राइट We do? Okay, I have, yeah, okay, maybe we have 7. We'll find out when you begin. We will start with Ibn Hawa. Kaisa laga aapko latest episode, Ibn Hawa ki? I have not watched it because you just mentioned it. Main bhooli gayi thi Ibn Hawa. That's why I'm saying 7. क्योंकि आपने लास्ट वीक रिव्यू नहीं किया था मैंने लास्ट वीक के ड्रामे देखे मैंने कहा ओह अच्छा ये है कहाँ गया और नहीं है बिकॉज़ इब्ने हवा आया नहीं था सो आई एम रियली सॉरी आई डिडंट वॉच इट या कोई मसला नहीं मैं छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ इब्ने हवा का इंटरेस्टिंग है मैं अभी तक लगी हुई हूँ देख रही हूँ इस होप में कि ड्रामा बेहतर हो जाएगा जैसे हम मेरे हम सफर में कह रहे थे ना कि फरहान सईद आएंगे तो शायद ड्रामे को बचा लें तो ये हो गया तो मुझे भी लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं स्टोरी आगे जाके कुछ उसमें मटीरियल आ जाए अभी तक तो मुझे थोड़ा सा सर पैर नहीं समझ आ रहा है उसका इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उन्होंने माँ जबीन को कन्विंस कर लिया है कि वो शादी करे वो हज पे जाना चाहती है तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो दूसरी शादी कर लेगी ताकि वो हज पे जा सके उसकी बैक स्टोरी दिखाई व्हिच वाज वेरी क्रिंज एंड थोड़ा सा क्रिंज नहीं इट वाज वेरी थोड़ा सा आपके दिल को सोचने पे मजबूर करती है क्योंकि उसके शौहर ने उसको वो एक यतीम लड़की होती है जिसको लेकर आता है और उसे शादी कर लेता है एंड इज वेरी एम्पावरिंग सो वहां से भी उसका बैकग्राउंड दिखा दिया है कि वो कितनी दबी हुई है शुरू से और इसी वजह से वो ऐसी है वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये ऐसी क्यों है एमन सलीम का कैरेक्टर बहुत मजे का है इसमें वो फुल एक्शन में थी वो जाहिर के घर पहुंच जाती है कि मेरा कुर्ता कहाँ है और उसके घर जाके उसकी बहन से भी गप्पे लगा रही है और वो कहता है कि भाई अच्छा मैं कर रहा हूँ तो कहती नहीं अब तो मैं पैसे जो इतने पैसे थे वो मैंने रिक्शे पर कर दिए अब मैं जा नहीं सकती तुम अज्ञा तो तुम छोड़ के आओ या मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और वो बेड पे बैठ जाती है बिस्तर पे तो वो बौखला जाता है फिर वो उसको छोड़ने जाता है नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट हर और साथ साथ उसके दिमाग में सारी जो उसकी माँ की बातें हैं वो आ रही हैं सो ये जरा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि एक इंसान एक मर्द है जो अपनी माँ की बेवफाई की वजह से इतना ज्यादा मेंटली सफर कर रहा है कि वो उसकी जिंदगी में जितनी औरतें फ्रॉम हिज सिस्टर टू एनीबडी ही लव्स वो उन सबको उसी पैमाने पे तोल रहा है सो अगर देखा जाए तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है डिफरेंट टाइप की लेकिन मुझे लगता है एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन मच मच बेटर कि हमें इंटरेस्ट होता अब जैसे पिछली किस्त में वो पूरा मामी के जो कजन है उनसे शादी कराने का पूरा सीन फॉर व्हाट यू नो चोरी वाला सीन सो फोकस ऑन दिस वन पर्टिकुलर थिंग करते के कभी कभी माँ बाप के एक्शंस बच्चों को किस तरीके से इमोशनली स्कार कर देते हैं और उनके आगे की डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है यू नो सो आई थॉट दिस वॉज अ रियली ग्रेट आइडिया जो साजी गुल ने लिखा हुआ है सो बस ये है अच्छा था मजे का था इंटरेस्टिंग था एंड एज आई सेड कि मैंने बस जल्दी कर करके देख लिया टू सी कि आगे क्या होता है दैट्स ऑल Also, I think Rabia की जो उसके बाप का जो reaction है क्योंकि कभी कभी आप अपने बच्चों के दिमागों को poison भी कर देते हैं over time वो इतने ज्यादा negative हैं throughout about the mother कि उसको वही नजर आता है और शायद माँ हो negative मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है लेकिन आपको अपने बच्चों की mental health के लिए because they it's their mother तो आपको थोड़ा सा
काबू करना चाहिए. पता नहीं आगे इसको दिखाएंगे आगे क्या होता है. ठीक है, शुड वी डू मेरे हमसफर? Yes, we can do Mere Humsafar because I have seen it, because I haven't seen the Dilly moment. Achha ji, to Mere Humsafar mein Hamza and Hala ka kuch hone laga hai, lag raha hai. Hala bichari waise bhi abhi kafi, she is scattered, usko nahi kuch, lekin Hamza ne jo unko dekha aur mujhe dialogue aaya tha ki pata nahi hota ki kahan kisse pyar mohabbat ho jati hai is tarah ka, to laga ki yes, something is happening there. Guilty pleasure again, I will say. Sorry, मैं बड़ी शर्मिंदा होती हूँ. मैं मुझे बड़ा मजा आया जब पूरा सीन था, जब वो फोन उठा लेता है, हाला को पहुंच जाता है हॉस्पिटल और वो उसको खाना ला के देता है और उसको पूछता है और उसको देखता है, तो मजा आ रहा था देखने का. एंड फाइनली फॉर अ चेंज हमने देखा कि हाला उसके सामने इतनी ज्यादा बौखलाई भी नहीं है, थोड़ा सा कम्फर्ट लेवल है उसका, क्योंकि हमजा ने उसको इतना वो कर दिया है. बट आई थिंक जितना मैं आसपास भी लोगों से बात करी, उन दोनों की लव स्टोरी इतनी अच्छी जा रही है. अगर आप यूट्यूब पे नीचे कॉमेंट्स भी पढ़ें कि लोगों ने बाकी सारी नेगेटिविटी को भुला दिया है, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन हाला एंड हमजा. एंड शाजिया, मुझे लगता है थोड़ी सिंड्रेला टाइप स्टोरी भी है, राइट? उसके ऊपर जुल्म हो रहा है और वो है और फिर प्रिंस चार्मिंग आके उसको बचा रहे हैं. तो यस, what did you think of Khurram? Okay, so Khurram is the lost case. Iska again no development arc in that kahani. That character will stay the same. Wo kuch nahi seekha hai. Wo pehle bhi Hala ko blame kar raha tha Shafak ke samne ki usne to jaake, aur wo kuch karega aage jaake, kuch keeda karega. He is going to cause a problem. And secondly, jo tum Hala aur Hamza ki bhi keh rahi ho, ye bhi Cinderella mein to wo happily married hoke khatam ho jata hai na, yahan aake फिर कुछ पलटा खाएंगी वो कुछ यकीन, बिकॉज देन ही विल फाइंड आउट अबाउट Khurram. हमजा विल फाइंड आउट, वहां जाके कुछ होगा अनफॉर्चुनेटली. So that's gonna happen. I loved it कि वो नफीस के साथ जो उसने जाके थोड़ी तो अकल दिखाई, जाके कहा हमजा से कि तुम खुद ही पूछ लो कि मेरा निकाह क्यों. Thank God, you know, I was so happy कि जब उसने देखा वो फोन करना चाह रही और सबा हमीद का कैरेक्टर आ जाता है तो वो एकदम से घबराती है, कहती है मुझे नहीं करना. अच्छा वो भी इंटरेस्टिंग है, हमजा कैसे उससे पूछता है कि नहीं तुम अभी बताओ तुम कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी, तो फिर वो she uses her common sense and says कि तुम बता देना क्योंकि तुम गवाह हो. लेकिन वो भी फौरन सबा हमीद का कैरेक्टर फौरन पलटता है, कहता है तुम्हें यकीन नहीं है, अभी कॉल करो, वो उठा ले तो फिर देखी जाएगी, यू नो. सो आई वाज हैप्पी टू सी दिस चेंज, स्लाइट चेंज इन हाला. आई वाज हैप्पी टू सी दैट. यस, थोड़ा सा था बट था, द डेस्परेशन वाज शोइंग, बट कुछ कर भी रही थी वरना तो काफी. यस, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. उसके नहीं, उसके दो तीन चीजें मुझे कहनी है. उसके और दादी के डायलॉग वो सो नाइस, यू नो, जब वो दादी कह रही होती है, वो जो पूरी हमजा और हाला की कॉन्वर्सेशन थी ना, जब वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना तुम उनकी फेवरेट हो, तो वो एकदम से खुश हो जाती है. एंड आई थिंक हानिया इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, बिकॉज उस वक्त आपको वाकई हाला के लिए फील हो रहा होता है कि हाँ कितनी छोटी सी बात है ना, और किस तरह वो शेयर करती है कि दादी ने मुझसे कहा उनको मुझसे मोहब्बत हो गई थी. मैं वाकई मेरे दिल में कुछ हो रहा था उसकी बातें सुन के ना, आई रियली कनेक्टेड विद हर. अगेन गिल्टी प्लेजर, सॉरी, बट चलिए ठीक है. बट दादी का मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था कि जब वो नेगेटिव होती है ना अम्मा के अगेंस्ट, तो मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज शी इज एक्चुअली क्वाइट वार्म विद हाला. बट देन उन्होंने ये भी दिखाया होता है कि बड़ी सेल्फिश रीजन से हो रही होती है वार्म. बट नाउ आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर, अब वो शी इज गेटिंग ओल्डर, दैट कॉन्वर्सेशन एंड द अदर वन, जब वो कह रही थी अब ठीक हो जाए तो फिर हम गोलगप्पे खाने जाएंगे या चाट खाएंगे, सो इट वॉज डेफिनेटली एडिंग समथिंग, अ ग्रे in her character, in the dadi's character, which is very nice to see. You asked a question. Do cheeze, Rumi kyun phone kar rahi hai aur Sameen aur uski awaaz mein itna fark hai, how can that guy do it? Dimag kharab hai, nahi nahi, lekin driver ko kaise nahi pata chal raha ki Rumi baat kar rahi hai, matlab tum mujhe main aur Farah tumhe call kare ya Manzab aur Huzaifa tumhe call kare, wouldn't you be able to tell the difference Shazia? Aur wo to uske bilkul peeche baithi hoti hai, Rumi uske bilkul peeche baithi hai jab baat bhi kar rahi hoti hai, yaad hai? To usse kehta hai, तो इतना मुझे ये थोड़ा सा सॉरी आई फेल कि इसको बेहतर टैकल कर सकते थे. इन दैट होल वो पूरा सेगमेंट ही अजीब सा है, एंड अगेन द एग्जीक्यूशन इज आल्सो अजीब. इन द सेम वे जो उसके साथ जो दूसरा ड्राम सफर तमाम हुआ में भी उन्होंने ये किया था, they did the same thing. मुझे तो वो याद आ रहा है, फोन कर रहा था वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था. उन्होंने ये सब ट्रैक इसलिए किया क्योंकि हाला पे इल्जाम लगा देगी ना रूमी और समीन, वो सब हाला पे करेंगे. बट दैट्स सो, मतलब कुछ और कर लेते यार, ये बहुत ही ऑफ लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू से. हां अच्छा, फिर हाला को जो चेंज रबिया, सॉरी, या
नहीं तुम बोलो. इन आर ड्रामास अनफॉर्चुनेटली इज कि जब ये इस तरह की रिलेशनशिप सिखाते हैं ना, वो दिखाते हैं कि आप घर में किसी इंसान के साथ रह रहे हैं और आपको समझ नहीं आता व्हाट दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ. ठीक है, 100% नहीं पता उसको, हमजा को नहीं पता कि उसकी अम्मा कितनी टॉक्सिक हो सकती है, ये कैसे हो सकता है. उसको नहीं पता कि उसकी बहन, हमजा को नहीं पता कि रूमी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है. So these things are a bit strange because you should know your siblings and your parents a little bit. आप कहेंगे, you can have the element of surprise कि अच्छा वाकई ये भी कर दिया उसने, लेकिन कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना. तो वो बिल्कुल ही उसको ignorant रखते हैं दूसरे character को, which I feel is unfair to the character. But उन्होंने दिखाया कि वो तो बाहर चला गया था पढ़ने शायद इस वजह से. पर लोग क्यों बाहर जाते हैं राबी, तो पूरी जिंदगी के से तो नहीं पता, पैदाइशी पढ़ने चले जाते हैं ना. नहीं, जब देखा तो वो बहुत छोटा था उस वक्त, तो उसकी माँ इतनी टॉक्सिक नहीं थी जितनी अब हो गई है ना. तब तो हाला उनकी जिंदगी में आई थी. क्या वो 20 साल से बाहर पढ़ रहा है? पता नहीं, बहुत अरसे से बाहर पढ़ रहा है. और जो 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 उसमें चेंजेस आए उसके खानदान में, या वो जो जब वो था नहीं, तो ही कांट से डे टू डे क्या चीजें हो रही है ना, उसको तो नहीं. और यहाँ पे भी वो उसको कवर कर लेती है. अच्छा, जो दो चीजें, हाला को एटीएम यूज नहीं करना आता, हाला के पास बैग नहीं है. थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगा बिकॉज हाला खुरम से मिलने जाती थी चुपके से, और वो रिक्शे पे भी खुद आ रही है. इतना भी ज्यादा बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे ले गए ना यार, बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे ले गए. थोड़ा सा एक नॉच नीचे ले आते तो एटीएम आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज़ वो बार-बार उसको पैसे देते थे, पैसे भी देती थी. पर्स और बैग आई कुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज़ वो कहां उसने फिर दुपट्टे से बांधा रखा. एंड यू आर राइट कि वो स्कूल भी जाती थी, कॉलेज भी जाती थी, दोस्तें भी होती हैं, तो ये मुझे भी नहीं, जब फोन भी दिया. हाँ, और दुपट्टे में बांधने वाला चीज जो है ना, वो एक कॉलेज गोइंग लड़की मुझे नहीं लगता, आई एम सॉरी, माय अपोलॉजीज, मुझे लगता है वो नहीं करेगी. यू नो, शी कैन होल्ड इट इन हर हैंड, किसी एनवेलप में डाल देगी. दुपट्टे से बांधने वाला इज वेरी वेरी आउटडेटेड एंड वेरी वेरी, मतलब इट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल. वो हाला नहीं करेगी मुझे लगता है, स्पेशली इफ शी इज गोइंग टू अ कॉलेज. यस, आई एग्री, सो दैट वाज अगेन, यू आर राइट, खींचे चले जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गए हैं. इट डाइल्यूट्स द नैरेटिव. ठीक है, ओके, ओके. दिले मोमिन बताइए, अभी शादी की नहीं, माया और मोमिन की नहीं, अभी नहीं हुई. इंटरेस्टिंग ये, मुझे बात ये अच्छी लगी कि दिले मोमिन में मोमिन का उन्होंने दिखाया कि कॉलेज उसको वापस एक्सेप्ट कर रहा है, सब लोग उसके साथ आ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, कॉलेज उसको गाड़ी भी दे दी है टू कॉम्पनसेट कि उसकी बाइक को तोड़ दिया था. तो यूजली ड्रामो में बहुत नेगेटिविटी दिखाते हैं और नेगेटिव ही हुआ जा रहा होता है, तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने एक थोड़ा सा रिडेम्पशन दिखाई है और ये दिखाया है कि जब लोगों को पता चल गया तो उसको हाथों हाथ ले रहे हैं. एंड ही He will go back in his life, you know. और आशी जो है वो कुर्बानी की गाय बनी हुई है और उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप को दुख नहीं हो, which again I do not understand. इतना अजीब सा लगा, आपकी बेटी की शादी हो गई है, 20 दिन गुजर गए, आपकी बेटी मुड़के मिलने ही नहीं आई. How is that possible? I mean, it's just जब ये लोग ऐसी चीजें करते हैं तो मुझे बस हैरानी होती है. वो ये भी ठीक है, वो बचाने की, छुपाने की कोशिश कर रही है अपने माँ बाप से कि मेरा हस्बैंड नहीं है, वो मुझे छोड़ के चला गया. या तुम आधे घंटे के लिए वैसे ही ड्रॉप इन हो जाओ ना, बोलो वो किसी काम से गया तो उसने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया. बट इतना बिल्कुल जो वो दिखा रहे, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी. और माँ बाप भी आराम से बैठे हुए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, तो वो जो है वो लगी हुई है. माया का इंटरेस्टिंग दिखाया है कि माया जो है उसकी जो काम वाली है, मेड जो है उसकी हेल्पर, वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें वाकई कुछ चाहिए तो तुम अल्लाह से मांगो, तुम्हें अगर मोमिन चाहिए तो तुम अल्लाह से मांगो. और फिर वाकई वो नमाज पढ़ती है और वो अल्लाह से मोमिन को मांगती है, यू नो, क्योंकि वो अच्छा, इट्स स्ट्रेंज. आई डोंट अंडरस्टैंड शाजिया के क्या हमें ये बट मैं फिर ये भी सोच रही हूँ, मे बी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस चीज से गुजरी हैं कि वन साइडेड लव ने उनकी जिंदगी को क्रश कर दिया. बिकॉज माया का इस जो तुमने पहले मुझे नहीं याद पड़ा कितना दिखा, इसमें ना शी इज कम्प्लीटली ब्रोकन. वो कह रही है मैं ऑपरेट ही नहीं कर पा रही हूँ अगर मोमिन मेरी जिंदगी में नहीं होगा. वो बिल्कुल ना फर्श पे लेटी हुई है. फिर तभी उसकी मेड आती है और तब उसे कहती है कि देखो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, आफ्टर ऑल यू हैव डन, द ओनली वे यू कैन गेट इट इज टू यू प्रे टू अल्लाह. तो फिर वो पूरी रात जा नमाज से गुजारती है और अल्लाह से मोमिन को मांगती है. तो ओके, व्हाई कुड शी नॉट प्रे टू गिव हर सबर एंड टू गिव हर स्ट्रेंथ टू गेट आउट ऑफ दिस? व्हाई डज शी हैव टू कीप ऑन प्रेइंग फॉर समथिंग व्हिच might not be for her. तो अगर वो दुआ ये मांगती कि अल्लाह में अगर मेरे लिए बेहतर ही हो तो मुझे मिल जाए, वरना नहीं, I think I would have preferred the maid or Maya praying for that rather than कि बस अल्लाह में मुझे बस ये चाहिए. माया को कुछ और नहीं चाहिए, माया को मोमिन ही चाहिए.
अब आई माया को सुकून भी चाहिए होगा शायद, मेंटल पीस भी चाहिए होगा। वो कहती है मेरा सुकून मोमेंट से कनेक्टेड है, मोमेंट मिल जाएगा तो सुकून आ जाएगा। फिर आई गेस अब ये मोमेंट और माया की जर्नी है, हाउ कैसे उनके पाथ दोबारा मिलेंगे, क्योंकि मेड जो होती है उसके बाद जाके उसके मोमेंट के घर वालों को बोलती है आप प्लीज मोमेंट भाई को समझाएं कि वो इसको अटेंशन दें, क्योंकि शी इज रियली ब्रोकन यू नो। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग, डू यू थिंक दैट अ पर्सन फॉर होम यू आर एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट, ऑब्सेसिवली क्रेजी, इज द वन हु शुड हेल्प यू कम आउट ऑफ योर डिप्रेशन? कौन डिप्रेशन? ओ द यू मीन, yeah, do you think Momin is the right person to go and help her? वो डिप्रेशन में नहीं है, जिस चीज में भी है वो, जिसमें भी है वो, उसी की वजह से है। do you think he is उसको right? मोहब्बत है Momin से, उसे Momin चाहिए, मोमेंट मिलेगा वो ठीक हो जाएगी, तो इसमें मुझे कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उसने हरकत की, ठीक है, अब उसके बाद हम ये सोचें कि इतना बड़ा इल्जाम देने के बाद, इट्स लाइक मकाफाते अमल एंड ऑल दैट, जो चीज है ना कि फिर अब आपको उसको वो चीज मिल जाएगी जो उसको चाहिए थी आफ्टर डूइंग ऑल दैट, बट देन अगेन आई एम थिंकिंग कि फिर अल्लाह ये बात मे बी माफी की तरफ लेके जा रहा है, और अब मोमिन का भी ये सफर है कि तुम मतलब तुम किसी को हेल्प करने के लिए अपनी जात से बाहर निकल के सोचो और माफ करो तुम उसको जिसने तुम्हारे साथ ये किया है। अगर हम उस पॉइंट को लें कि मोमिन ये कह रहा था कि हाँ मैंने अनोइंगली तकब्बुर कर लिया तो अल्लाह मुझे माफ कर दें, तो फिर अगर आप अल्लाह से माफी की तवक्को रख रहे हैं तो फिर आप भी माफ करें माया को, एंड मे बी यू, आपको तो आपकी अब नहीं मिल सकती लेकिन आप उसको हेल्प कर दें, उस लड़की को तबाह बर्बाद होने से बचा लें। एंड माया का ये जर्नी है गोइंग टूवर्ड्स अल्लाह, कोई भी चीज इंसान को अल्लाह की तरफ ले जा सकती है, वो जॉब की तलब भी हो सकती है, एक इंसान की तलब भी हो सकती है, कोई ट्रेजेडी भी हो सकती है। सो या इट्स इंटरेस्टिंग, आई एम जस्ट सेइंग के ड्रामा के सो रबी, आई लाइक दिस पॉइंट एंड वी हैड बीन डिस्कसिंग दिस रबी एंड आई अर्लियर आल्सो नॉट ऑन ड्रामा का पैसे, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि बिकॉज माफी देना बहुत मुश्किल होता है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, हम बार बार यही कहते हैं कि अल्लाह मियां जब दे सकते हम क्यों नहीं दे सकते, लेकिन मेरा पॉइंट ये है और व्हाट आई एम स्केयर्ड अबाउट इज विद दिस नैरेटिव कि जितने लोग स्टॉक करते हैं चाहे वो औरत हो या आदमी हो, वो इवेंचुअली एंड गोइंग थ्रू द मीन्स दैट माया हैज गॉन थ्रू, इवेंचुअली दे शुड गेट व्हाट दे वांट। इट्स नॉट अबाउट माफी, इट्स अबाउट योर बिहेवियर एंड द वे यू आर acting in society and setting examples. So मुझे इसमें अगर आपको माफी दिखाना था आप माफी दिखाते किसी और तरीके से दिखा देते, इस तरह एक लड़की स्टॉक कर रही है आपको, लड़का भी हो सकता है जो स्टॉक कर रहा है उसको करना, आई फील इज नॉट, मेरे दिमाग में सही नहीं बैठ रहा। शादी ये मैंने पिछली बार भी इसी तरह की बात की थी और तुम बिल्कुल सही कही हो, वही हमने कहा था अगर ये दिखा देते ना कि वो चुप रहती है, वो खुद से इल्जाम नहीं डालती, फिर भी हम रिडेम्पशन की तरफ जा सकते थे जो तुम कह रही हो, उसमें बचत हो जाती। यहाँ तो उसने जान के बूझ के एक इल्जाम उस पे लगा दिया, एंड देन अगेन थिंक डीपर, पीपल स्टॉकिंग वाली बात आ जाएगी कि और बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या बोलेंगे या ये सही कर रहे हैं, इनको माफी दे दो, उनको दूसरा चांस दे दो। वो कोई बदमाश भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, यहाँ माया बुरी नहीं है, ठीक है उससे गलती हुई, तो यस इट्स अ वेरी फाइन लाइन, सैडली ड्रामा विल सी व्हाट हैपेंस। चलो ओके गोइंग फॉरवर्ड, इसके अलावा हैव जो बिछड़ गए, बिछड़ गए, आई थिंक जो बिछड़ गए, जो बिछड़ गए इज इट्स रियली शोइंग यू राबिया। ओके वो जो अपनी स्ट्रेटजी एंड वॉक का तो वो दिखा रहे हैं, एंड वी कम टू दैट, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड जो ह्यूमन कोलैटरल डैमेज होता है ना उसको वो इतनी डीपली दिखा रहे हैं कि हमें ये भी नहीं लग रहा कि यू नो कभी कभी हम क्रिंज करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं ये टू मच हो गया है, हम नहीं देख सकते या क्यों उतना चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्या करें। इट्स नॉट, व्हेन माया क्राइड, व्हेन सोनिया क्राइड व्हेन हर फादर डाइड वी फेल्ट इट, व्हेन शी वाज रनिंग इन द कॉरिडोर्स व्हेन हर मदर, व्हेन शबनम वो जो सड़क पे चलती चली जा रही थी और जब वो उनको आवाज दे रही थी कि अम्मा आए और अम्मा हारून को पुकार रही थी, हमें अंदर से कुछ हो रहा था, हमें समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है इस घर में। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स सो सैड। दो तीन चीजें इस वाली एपिसोड ने हाईलाइट की, एक तो ये जैसे तुमने बताया कि इंसानी रिलेशनशिप्स कैसे चेंज होते हैं, सेकंड आर्मी को बजाहिर को कितना हम लोग स्ट्रॉन्ग समझते हैं बट एक्चुअली व्हाट दे गो थ्रू, जो पूरी डीजी की और कैप्टन फरूख की कॉन्वर्सेशंस हैं और वो जो सारी बात हो रही है, दे डोंट हैव अ चॉइस, दे नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड दे नो कि उनके साथ क्या होने वाला है,
they're still going ahead with it, you know, and I'm like, wow, hum bhool jaate hain ki inka bhi koi emotional, like human side hai, you know, we completely forget ki wo unko pata hai ki, jaise unke samne abhi teen char parties hai, India hai, Pakistan hai, East Pakistan hai / Bangladesh and UNO, the four parties is par unko pata hai na, jo players hai, and they know kisko kya karna chahiye, kaun kya kar raha hai, but they cannot do anything. और वो जो और वो जो लेटर आता है, वो जो फ्लैश मैसेज आता है कि जब तक 75% ऑफ योर आर नॉट, यू कैन नॉट ड्रॉप दिस द मैं तो, और वो लोग कह रहे यार बैक ऑफ कर जाओ, हम लोग नहीं बचा सकते, यू नो, बट it was so, it so was it's basically yeah the trade off between human lives and keeping on fighting, kyunki ye hamari duty hai. Aur unfortunately aajkal Ukraine mein, Russia mein yahi ho raha hai Rabia, because ye log bechare lad rahe hain unke, I'm just transferring to real world events ke yahi, this is what's happening, ke wo lage hue hain jabki unko nazar nahi aa raha ki kahin unko victory milegi. Aur ek badi important baat unhone kari thi DG ne, he said it is about bahaduri वर्सेस जीतना, करेज वर्सेस विक्ट्री. जब हम अपने सोल्जर्स को, अपनी आर्मी को सराते हैं, तो हमें इसलिए नहीं सराना चाहिए कि वो जीत गए, हमें इसलिए क्योंकि एक सोल्जर ने जाके दिफा किया है अपनी कंट्री को, चाहे जैसे भी दिफा किया है, और उसको पता है, वो जो लॉर्ड आर्थर टेनिसन की वो जो पोइम कर रहा था, वॉकिंग इन टू द वैली ऑफ डेथ्स, दैट इज वॉट इट इज, उनको पता है वो हर तरफ से घिर गए, वो वापस नहीं आएंगे जिंदा. So it's and yahi tha usme poem mein bhi kuch aisa hi tha, 600 jaate hain lekin 600 men wapas nahi aayenge. So it's really really sad. Rabia, that conversation between Sonia's father and kya naam hai, Captain Farooq, unhone bilkul yahi baat kari, unhone pucha ki main tumhe bata raha hu Bangladesh ban raha hai, and he said aap ek fauji se baat kar rahe hain, aap ek fauji se kaisa sawal kar rahe hain, main kya aapko jawab dun iska. Yeah, true. Yeah, were you expecting he was to say that you marry my daughter? Because I had seen someone commenting in the thing niche se, mujhe pata tha ki ye hone wala hai, lekin what is really sad is ki wo keh raha tha ki meri beti ab ek aur jaan bardasht nahi kar sakti, and he is the one who died later. So that was really sad. Wo soch raha tha ki Captain Farooq will pass away and meri beti ye sadma nahi bardasht kar sakti, lekin actually he passed away himself. Yeah. And that was so sad for me to know that aisa bhi hota hai. Ab kya sochte hain kya ho jata hai. So yeah, nahi bahut hi थोड़ी स्लो थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेवी एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड थी. बहुत ज्यादा आई थिंक काफी चीजों की हमें, एटलीस्ट फॉर मी, काफी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हुई कि पॉलिटिक्स में और जब एक एजेंडा किसी भी एलिमेंट ने सोच लिया हो, तो फिर ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहती है, सिंगल माइंडेडली उसको फॉलो किया जाता है और उसमें जो भी लॉस हो वो नहीं. एंड देन यू नो वो पूरा जब जहाज बॉम्ब करना शुरू करते हैं, वो लगा रहे हैं अखबार, और फिर वो आ जाती हैं खातून और वो कहती हैं इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा, ब्लैक पेपर लगाओ, पेपर लगाओ. तो यू नो वो इट वाज वेरी, इट गेव यू अ वेरी क्लोज फील एंड लुक टू द वॉर, क्योंकि हम इन कैरेक्टर्स के साथ ग्रो कर गए हैं ना, रूमी के साथ, सोनिया के, रूमी तो थे नहीं, सोनिया के साथ, उसके फादर के साथ. तो जब वो लोग ये सब कह रहे थे, तो मैं उनका पैनिक हमें फील हो रहा था एंड डर भी लग रहा था कि इनके साथ क्या होगा. आई वॉज रियली स्केर्ड फॉर सोनिया जब वो हॉस्पिटल भाग रही होती है, मुझे लगा इसको पकड़ लेगा कोई, यू नो, बट शुक्र है कि नहीं हुआ. एंड And somebody knocking on the door. Yeah, he's saying don't open the door. Rabia, वो जो जाती हैं उनके घर पे, जब वो dog fight की बात कर रही होती हैं, that is another face they showed of war. कि you are actually cheering for someone who is going to be killed. Yeah. And that's what she was doing. And she said, मैं आपको phone करूँगी तो मैं dog fight कैसे देखती, मुझे तो देखना था कि क्या हो रहा है. So it's, and that is the ugliness that happens without us even realizing. जब हम किसी भी आर्मी के लिए चेयर करते हैं, अपनी आर्मी के लिए भी, और हम कहते हैं कि हाँ दुश्मन को हमने हरा दिया, चलो ठीक है, हम अपनी, हम we are saying that our soldiers are brave, लेकिन जब हम उससे दो स्टेप आगे चले जाते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं किसी भी जान के जाने का, this is what war turns us into, and that's what she was enjoying it like a football match or something, that's how she was enjoying. इस ड्रामे ने बहुत, लाइक आई डोंट नो अबाउट, आप लोग बताइएगा व्यूअर्स के, आप लोग क्या मतलब वॉर के बारे में ना, जो ह्यूमन लाइफ का लॉस है ना, और जो आर्मी का है, वो बड़ा बड़ा ना उस पे
इक्वल लेवल पे लाके किया है कि यू रियली थिंक अबाउट इट. जैसे तुम कह रही हो जान का लॉस तो वहां भी हो रहा है, जान का लॉस तो यहाँ पे भी हो रहा है, फॉर व्हाट, यू नो, फॉर व्हाट, हम इतनी क्यों नहीं चीजें कर सकते. और कितने आप वर्स्ट इंसान का जो सबसे बुरी चीज है शायद हैवान है जो इंसान के अंदर, वो निकाल के ले आता है. सो ग्रेट एपिसोड. इट मेड मी थिंक अबाउट वन थिंग कि जब आप कह रहे हैं कि 75% ऑफ योर ट्रूप्स विल डाई, should there not be an international law that should say ki jab aapki army is point pe pahunch gayi hai to you have to stop in order to restrict the loss of human lives. Because yes, hum sabko pata hai ki aap hamari country ke liye difa kar rahe hain, lad rahe hain, and we are very proud of you, lekin wo jaane bach bhi sakti thi. Aap apni ego ke liye kar rahe hain? No, I don't think it's ego. I think you are doing it because that's your duty. And duty ki bhi ek had honi chahiye ki aap apne sote ko, those soldiers, you own them. They are part of future DG ki jo ek jo ranj nazar aa raha tha, jo pain nazar aa raha tha, wo isi nazar aa raha tha because he wants to stand with his soldiers and he couldn't do it. So it's not fair to put anyone in that position. And wo ek aansu jo tala Johor ka girta hai captain, oh my goodness, what an impactful scene that was. And wo side se liya hai, it was very impactful. And also, Rabia, it wasn't just the army civilians were fighting, wo jo apprentices jo banaye the, jo civilians the. तो आर्मी तो उनके पास है ही नहीं पूरी. सो दैट्स अनदर थिंग एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन. जो अब अगर आप टीवी देख रहे हैं तो माएं और बच्चे जो है वो आ रहे हैं, हस्बैंड्स आर स्टेइंग बैक टू फाइट. सो इट्स एग्जैक्टली, इट्स सो सैड, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. ओके, वी मूव ऑन टू इश्किला. We move on to Ishkila. Ji, kal mein, one of our drama ka viewers, she is also a friend of mine. She's Indian and she lives here. Wo mujhse kal mili. Unhone kaha, mujhe Sinfe Ahan bhi dekha hai, mujhe Ishkila bhi dekha hai. Maine kaha, aap to bilkul meri tarah baat kariye. So I realized ki hum to apne review ke liye, lekin jo badi avid watchers hai, passionate watchers of dramas, wo isi tarah soch rahi hoti hai. Ye bhi dekhna hai, ye bhi dekhna hai. To unhone kaha ki bhai, wo bachcha kaun sa hai, wo Azan Sami Khan. उसकी एक्टिंग तो बड़ी अच्छी जा रही है. तो आई सेड चलो, दिस वाज एन ऑनेस्ट व्यूअर रिव्यू, सो आई थॉट आई शुड अजान, अगर आप सुन रहे हो तो किसी ने आपके लिए लिखा है. इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, मुझे मजा आया. आई लव की अजान एंड यमुना की, विच इज अजलान एंड अस्का की केमिस्ट्री, point on, you know, from scene one, jo hai wo chemistry nazar aati hai, and you could feel the sparks, aur maza aa raha tha, like, you know, you wanted to watch that scene, jab wo usko zabardasti bithata hai, matlab Azlan sahab is back to his old self, na, baitho. He's back, but the person sitting next to him is not Shanaya this time. Yeah, wo to utar jati hai. Aur wo scene kitna mazey ka shoot kiya hai na, wo piche ja rahi hai, piche maine kaha ye gir na jaye, isko lagi hogi kitna. But that was really nice, and I really liked it ki unhone dikhaya Asta ka character ki usne badtameezi nahi ki, wo shout nahi ki, usne badi firmly and very respectfully apna point of view samjhaya aur usko, aur isliye Azlan foreign change bhi hua. He changed. Yeah, yeah. He apologized. He said ki please Bejo, you are my responsibility. Yes, I have to drop you back. He was desperate also na, because he wants to get to the bottom of it. Lekin wo puchi ja rahi hai bar bar ki bhai kahan leke ja rahe ho, bol hi nahi raha. So that reaction, I mean, that was expected. Asuka had to do that. Acha bhai ji, wo Zain bhai ka kya haal hai unka? I love Rabia's expressions when he comes to him. Nakhra dekho. He just muh bana ke chale gaya. I was like, hello, mister, who are you to judge her? You know, bas na poocho. Aur wo phir ja rahi hai usko manane ke liye. But it's very unfair what they've done with Zain, kyunki unhone uska character wahan lekar hi nahi aaye ki we should feel bad for him. Koi chemistry hai dono ki, sadly. But Shazia, I wanted to appreciate the writer ki kitni unhone important baat dikhai ki दुनिया जो है वो औरतों को जज करने के लिए कितनी तैयार है. मतलब वो ड्राइवर भी जो टैक्सी का था एंड ज़ैन, मतलब भाई वो उसका कोई कजन हो सकता है, वो कोई भी, व्हाई आर यू अज्यूमिंग. वो भी कहता है, ड्राइवर ने भी बड़ी ऑफ्साइड डायलॉग बोला अस्का के बारे में, यू नो, कि वो बैठ के गई है. हु इज, पहली बात ये, आपका क्या मतलब है वो किसी के साथ बैठ के जाए? वो एक जवान लड़की है, adult hai, she can decide what she wants to do. Aur aap kisi ke bare mein kaise assume karte hain? But this is what happens ki hamare yahan, it could be a cousin, it could be a friend, it could be anyone, it could be a classmate, it could be anyone, it could be anyone, and no one has a right to judge. And go for, she was feeling bad, she was saying ki bahut tamasha lag raha tha, isse main chali gayi, imagine. बट यही दिखाया ना कि सोसाइटी सो क्विक टू जज द वुमेन. आप देर से आए, अकेले हैं, अगर आप अकेली तो ओ कोई मसला होगा, अच्छा इससे बात की ओ ये होगा, ऐसे कपड़े पहने ओ ये होगा. लाइक वी
हम बहुत जजमेंटल हो गए हैं, तो मुझे ये हो गए राबिया फ्रॉम द चौकीदार एट द गेट टू द टैक्सी ड्राइवर सिटिंग आउटसाइड टू द पीपल हु नो यू लाइक योर क्लासमेट्स एवरी वन जजेस अ वुमन. कितनी पहले तारीफ की जैन ने कि आप तो ऐसी हैं, आप तो डिफरेंट हैं. उसने बस उसको एक बैठे हुए देखा और उसका इम्प्रेशन चेंज हो गया, मुंह बन गया उनका. तो ऐसी वैसी नहीं आप औरत मार्च, इसीलिए मैं कह रही हूँ औरत मार्च. अच्छा ओके, औरत मार्च, औरत मार्च जो है ना, सारे इश्यूज हैं औरत मार्च नीड्स टू टच ऑन, बट बेसिकली हम कंडीशन हो गए. यू नो व्हाट, सब लोग घरों में जाएं, अपने किचन में लेके पूरे घर में औरत मार्च करें टू चेंज दिस थिंग. प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हियर. मेक श्योर आपके घर में भाई, बाप, कजन, आपकी अपनी अम्मा और आप खुद भी जजमेंटल होना फॉर अदर्स. दैट्स वेयर द औरत मार्च स्टार्ट्स फॉर मी. वंस वी हैव कवर्ड द बाउंड्रीज ऑफ आवर हाउस, then I think we should talk about aurat march getting out of the home. But aurat march can be anything. Aurat march can be what you are saying also. Aurat march is anything. main jazbaat mein sab ho jaungi. So let's go back to ishkela. Aurat march is what you make it. Aurat march doesn't have to be what you see over there. You are a woman, you decide how aurat march will be. Okay, but so ab aage kya hoga bhai, unki amma pareshan ho gayi hai, wo keh rahi hai tum chhod do ye badle ki cheez, but he can't get it up. So he's really, he needs, no, he's not that. Going to, wo karega, badla to lega, wo marega most probably, usko khud hi marega, kuch karega. But main sirf ye sochi wo scene maze ka tha jab aska ne usko isse bola aur wo kehta hai main to aapki book dene aaya tha. Wo typical but cute scene, wo maze ka tha. I wonder how will she react when she finds out ki ye Azlan hai jiske basis pe wo. हाँ, अज़लान ने तो कह दिया. और वो कुछ लिखती भी है. I liked his thinking. He said मैं बता दूँ उसको तो शायद वो कर ले, फिर गवाही दे दे शनाया के लिए. Because that is very human and normal. That is what Azlan is. No. Human is what Azlan is. That is what. Yeah, लेकिन फिर उसको बातें याद आ रही होती है शनाया की, और वो कहता है कि नहीं, this is not what she would have wanted, but वो निकलेगी बात, आगे पीछे निकलेगी कहीं ना कहीं. I like it कि अस्का जैसी घर आती है वो अपनी भाभी को फौरन बता देती है. तो I want to appreciate it and I hope the message goes to a lot of females के it's better कि आप बात सच बताते हैं, छुपाएं नहीं घर वालों से, ताकि बाद में मसले में ना पड़े. गलत नहीं करती, लेकिन वो डर के मारे कि हमारे बारे में क्या अज्यूम करेंगे, घर वालों को नहीं बताती है. बिल्कुल, एंड उनका भाभी का रिएक्शन भी बड़ा अच्छा था. ठीक है जी, गो टू, वी हैव संध्यान एंड संगीमा. यस, एनीथिंग एल्स? And at the end, I just want to give you my scene, and Rabia, you can tell me if that is my scene of the week from these dramas that I think totally did it for me. Okay. So we'll do Sinse Ahan first. We'll do Sinse Ahan, ji. Should I ask you right now, which scene did you like best? Which scene did I like best? I've not even thought about it. I don't know. नहीं सोचा इतना. Scene में मैंने overall drama का सोचा हुआ है, scene का नहीं सोचा मैंने. तुम बता दो. There were two scenes. पहले तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा जब माजबीन कौमी तराने के बारे में कुमैल को बता रही होती है, and she said कि बस मुझे कुछ, and I want to give a shout out to Kubra Khan in all her projects right now, she is doing amazing performance. लेकिन वो जिस तरह कह रही होती कि नहीं कुछ हुआ, कुछ रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, होने लगे, मतलब मैं चेंज हो गई हूँ जिस तरह मैं अपने मुल्क के बारे में सोच रही थी, एंड कुमैल बेचारा जो है वो वही कहता है कि अच्छा ओके वट एवर. सो मुझे एक वो अच्छा लगा. एक मुझे when the dadi came and the dadi she reached out and talked to Usama and she said ki tumhari wajah se main itminan mein hu. It was really beautiful. Did you think that the dadi would be the dadi, or did you think the dadi would be Usama's mother? Nahi, wo promo mein unhone dikha diya tha, promo mein ek do aur cheeze bhi dikhai thi, to mujhe pata samajh aa gayi ki ye uski wo nahi hai. I really, really love that scene and that whole track jo hum Kiran ki character se mujhe abhi bhi issues hain. But I just want to give a shout out to Umaira Emma Chazia. What a beautiful concept it is. What a beautiful concept. Jo mujhe abhi tak hit nahi kiya tha, mujhe ye wali episode dekh ke hit kiya ki she is actually putting in this idea ki aap bewaon ko kaise support kare. You know, especially if shaheed ki bewa hai. I didn't want to say specifically shaheed because bahut se, lekin isme agar hum is reference se baat kare to ye kitna khoobsurat idea hai ki aap kare aur unke bachchon ko bhi ek family baap ki shafqat de dein. And then I want to give a shout out to Shahryar Munawwar because the way he has
एक तो कैरेक्टर ऑफकोर्स बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नदीम बेग ने उसको बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, लेकिन जिस तरीके से शहरयार मुनव्वर ने जितनी खूबसूरती से उसे किया है ना शाजिया, ही हैज मेड इट सो inspiring, he's made it something that you would want to do, that I think families would relate to. Usme koi bhi aisi cheez nahi jo aapko rok rahi hai, it's pulling you towards it. He has made it into something so good. Mere paas words nahi hai jo main kehna cha rahi hu usko describe karne ke liye, jisse mujhe lagta hai ki agar logon ko ye baat samajh aa jaye to maybe bahut se log ye baat seekhe aur bahut se log is baat pe action kare, you know. Especially because they are looking at the army over here, and army mein bebaayein hoti hain, ho jati hain, unfortunately. And young, with young children, jo usi waqt paida, matlab, so unki phir badi lambi zindagi aage hoti hai. So, and when you talk about Shahryar Munawwar, I want to say ki unhone apne pichle project se bilkul ek change over kiya hai, from PC Mohabbat to from Aslam to this project. And that in itself is very noteworthy because it is showing his journey as an actor. And you are right, and this is Umaira Ahmed ki लिखाई है कि उनके कैरेक्टर को इतना खूबसूरती से लिखा गया है इन एवरी वे कि उनकी एक प्योरनेस और प्योरिटी देख के हमारे आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, बिकॉज वी आर लाइक ऐसे भी आदमी हो सकते हैं एंड होंगे, जरूर होंगे, बहुत सारे आदमियों ने की होंगी इस तरह, मे बी सोल्जर्स ने करी हूँ, एंड देन यू नो उन्होंने वो छोटा सा पार्ट डाल दिया कि ही डाइड इन योर आर्म्स, तुम्हारे ही तो साथ था, सो दैट सॉर्ट ऑफ रियली हिट होम इन द एंड, इट्स मेड ऑल ऑफ दिस समथिंग सो सो वैल्यूएबल शाजिया. वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी से शादी कर ली, इस पूरी चीज को उन्होंने इतना रिस्पेक्टफुल, इतना इम्पोर्टेंट, एक इतना इज्जत वाली चीज बना दी है कि एंड शहरयार मुनव्वर जिस तरीके से, जितनी नाजुक तरीके से किरण को हैंडल कर रहे हैं, जितनी पेशेंटली उसको हैंडल कर रहे हैं, जितनी जिस तरीके से उसकी बच्ची को कर रहे हैं, वो सब ना इट्स गिविंग रियली न्यू आइडियाज एंड न्यू गोल्स टू मेन आउट देयर, आई थिंक, यू नो. एंड I think his characters are amazing. We need more characters like him. उसने तस्वीर भी लगाई हुई थी तैमूर. I heard of one person जिनके साथ ये हुआ था, and you know, and the husband was very supportive. So I would like to say कि ऐसे आदमी होते हैं. And they are there. Maybe we haven't seen them, and more of them can come out. नहीं होते तो बन, नहीं होते तो बन जाने चाहिए ऐसे ना. नहीं होते. बन जाने चाहिए. नैथमी का कैरेक्टर, नैथमी का ट्रैक, आपको क्या लगा? So आप मुझे पता है आपको क्या लगा? मुझे उस जो बातें वो कह रही थी, मुझे उसमें दे स्पोक टू मी आल्सो अ लिटिल बिट व्हेन शी वाज सेइंग कि हमारे मुल्क में भी ऐसा हुआ था, पीपल हैड रिटन ऑफ our country, and in the same way I want to say ki aap Pakistan ko write off nahi kare, kyunki hamare mulk mein bhi ye sab ho raha tha and now we are okay, so let them, they are going through a difficult time, help them get through that because there's so much goodness around. This is mujhe ye samajh aaya, mujhe unke nazare bahut khoobsurat lag rahe the, main to unke landscapes dekh rahi thi, I thought the way they had pictureized it, कि वो बात कर रही हैं और वो सब वो पानी जो ठंडा ठंडा पानी पी रही थी and all that, मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, but yes थोड़ा सा लंबा था. थोड़ा सा लंबा, I thought completely unnecessary because या तो आप ये चलाएं ना OTT platforms पे. If this was just ये पाकिस्तानी पब्लिक के लिए नहीं होता, ये इंटरनेशनल पब्लिक के लिए होता, तब मुझे ये मैसेज की समझ आती. भाई पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें सबको पता है, वो तो दिल से ये बात जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ये चीज़. लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना YouTube पे राबिया, इतने सारे लोग. ताज़िया, the percentage is not enough. The percentage is not enough. Justify 15 minutes of our watch time. Sorry. 15 minutes था. मतलब कितना ही हो गया ना, एग्जैजरेट कर रही हूँ मैं भी थोड़ा सा, वो लोग भी कर रहे हैं. लेकिन द थिंग इज दैट बिकॉज़ जहां मेरे दिल के बहुत करीब है, आई वांट टू सी मोर यार, मुझे बाकियों का देखना है. आई वांट टू सी मोर अबाउट शाइस्ता, अबाउट यू नो माजबीन का तो खैर बहुत दिखा रहे हैं, अबाउट रबिया, अबाउट परिवेश, अबाउट यू नो आरजू, मुझे नहीं देखना नैथमी का मोनोलॉग या फिर नैथमी की स्टोरी फॉर यू ज्यादा ग्रिपिंग होती, इतनी ग्रिपिंग होती. हां सही, आप आगे दिखाएं यार पीएमए में क्या हो रहा है उनके साथ, व्हाट आर दे कर सकते थे ना, जिस तरह खत लंबा कर दिया इसको भी लंबा. आई लाइक द जिस्ट ऑफ व्हाट शी वाज saying, maybe you are not wrong in saying that OTT platforms pe, lekin usko wo condense kar sakte the thoda sa. They didn't have Pakistaniyon ko already ye baat pata hai, aur YouTube pe bhi jitne dekh rahe hain wo sab Pakistani dekh rahe hain, maybe 5, 10, 20% Indians dekh rahe honge, unko ye message shayad pahunch gaya ho, aur kaun international aapki ye dekh raha hai, koi Pakistani isko bhi hope mil jata hai na ki chalo hum bhi aage, Sri Lanka bhi has overcome this, so shayad we don't, okay
लेट्स नॉट आई हमें क्रिकेट तो होप मिला है ना ऑस्ट्रेलिया आई भी है हमें पहले तो होप ही नहीं था कितने साल गुजर गए वी डोंट नीड टू से दिस वी ऑलरेडी नो दिस दिस इज नो होप इन दिस वी डोंट नीड एनी होप वी नीड प्रैक्टिकल एक्शन वो हमारे अपने हाथ में है या अच्छा आगे चलो लेट्स मूव ऑन माजबीन का कैरेक्टर आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इज द ओनली कैरेक्टर इन द ड्रामा जिसमें कुछ मूवमेंट है कुछ आर्क है हम उसमें कुछ चीजें देख रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है लेकिन माजबीन बट आरजू का कैरेक्टर उसने आपको ग्रिप नहीं करता जैसे माजबीन का कर रहा है वो इमीडिएटली आपसे कनेक्ट कर रहा है और उसमें बहुत आपको नजर आ रहा है ग्रोथ which I feel थोड़ा सा मुझे माजबीन की कैरेक्टर में लेयर्स ज्यादा हैं आरजू की कैरेक्टर में इतनी नहीं है वो सीधी पटरी पे चल रही है एंड शी नोज व्हाट शी हैज टू डू माजबीन में वी वर वेरी सरप्राइज्ड वो जो हमें बाइपोलर की बात पता चली बिकॉज आई डिडंट थिंक शी वाज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट and what brought her to doing that lekin phir majabeen ko pehle dikhaya aise because now we have fallen so much in love with majabeen ki hum bhul gaye majabeen pehle kya thi negative nahi thi lekin thodi si superficial thi she was at that level maybe jab now ab we are putting two and two together jisko shayad itna farak nahi padta agar usne aisi koi baat drop kar di ki ha theek hai usne mere sath kiya tha main bhi kar lungi but now she is getting more deep in every way and so I think बड़ा well rounded निकल रहा है जिस तरह उन्होंने उसने अपने parents को बुलाया बिठाया कि बैठे हम बात करेंगे again I am loving Bubra's performance here and फिर वो जो खत पढ़ा and then she was showing them और अम्मा अब्बा जो है वो and you know what Rabia with this a child can actually improve वालिदैन की रिलेशनशिप भी इंप्रूव कर सकते हैं दिस इज द मैसेज दैट आई गॉट ओवर हियर व्हिच वाज मुझे जो मैसेज मिला वो ये मैसेज मिला कि अगर लड़कियों को आप एक एनवायरमेंट दें स्ट्रॉन्ग जहां वो बॉन्ड कर सकें जहां उनको अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका मिले बिकॉज ये सब लड़कियां जो पांच को अगर आप उठाएं दे वर केपेबल बट किसी ना किसी वजह से वो अपने एनवायरमेंट में रहते हुए अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी उन्हें पता भी नहीं था कि वो ये कर सकती हैं जब वो पीएमए में गई तो उन्होंने ना सिर्फ उन एबिलिटीज को शो किया उन्हें एक्सप्लोर किया उन्हें ओन अप किया एंड दे फेल्ट गुड सो इफ यू सी All of them have become more confident. All of them are taking action in their own space. Arzu ka character hai. Jo baatein wo sochti thi, but usme himmat nahi thi, usne kar diya. And she's okay. Majbeen dekhi thi, uski bitterness thi, usne usko change kar diya mohabbat mein. Parivesh ka dekhi, aapki kitni strength aa rahi hai. To isi tarah Shaista aur Rabia ke bhi characters mein different cheezein ho rahi hain. So I really love this message that they are sending. ठीक है पीएमए ने ये किया है बट अगर आप कोई और एनवायरनमेंट भी देंगे जहां लड़कियां अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकें तो उनमें उनमें इतनी हिम्मत आती है कि वो सही डिसीजन ले सकें जिंदगी का और ये वो कर अचीवमेंट सेलिब्रेट एंड आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे ब्रॉट होम वाज कि पीएमए मेड असीस महजबीन एंड अदर्स रियलाइज दैट दे आर अ फैमिली एंड वी लोग शाम को जब साथ बैठते थे बातें करते थे जो हर फैमिली में होना चाहिए लेकिन महजबीन की फैमिली में नहीं हुआ था नहीं होता होगा कि चलो खाने का टाइम है बैठ के बात करो एंड खाना खाओ विच इज वाई शी लॉस्ट आउट ऑन दैट एंड नाउ शी इज लविंग इट एंड शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग इट बैक शाइस्ता का क्या ख्याल है उनको सही सुनाई उनकी बहन ने कुछ दिमाग में गया बिल्कुल सही सुनाई बट शाइस्ता से मैं कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करी आगे जाके शाइस्ता भी सीधी हो जाएंगी आई एम श्योर हाँ आई थिंक सो बिकॉज एक थोड़ा सा एरोगेंस आ गया है कि यू नो मैं क्यों करूं व्हाई शुड आई ये तो दिखा भी नहीं है ये भी नहीं है सो आई एम होपिंग और मुझे आई रियली लाइक कामिल आई एम आल्सो रूटिंग फॉर कामिल शाइस्ता जी आप कामिल के साथ ज्यादती मत कीजिएगा प्लीज प्लीज बिल्कुल आई आल्सो लाइक्ड इट कि उनको अपनी ब्लेसिंग्स का बड़ा बिकॉज जिस तरह माजबीन कहती है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड मुझ में तो जो जो चीजें उसको बुरी लगती थी अपनी जिंदगी की अब वो कदर कर रही है उन सारी बातों की अच्छा चले माजबीन का बताएं कि क्या होगा वो तो पहुंच गए थे कहने के लिए कि तुमने क्यों किया ऐसे तुमने क्यों कहा कि वो बाइपोलर है कुछ इसका नजर आ रहा We find out. I'm curious to find out कि क्या होता है. I just want to give a shout out to Asim Azhar. He's doing a very good job. Last में जो scene है जब वो उसको देखता है बोलता है and उसकी आंखों में जो शिकवा है. I was like, यार Asim is a good performer. He should act. बहुत अच्छी performance थी Asim की. So हालांकि कोई dialogue नहीं थी. He just looks at her कि तुमने मुझसे झूठ बोला है. You know. And then he turns around. I like these small details. कि शादी जब when he was walking, his walk was an of an army officer because he is an army. So ये छोटी-छोटी details मुझे interesting लग रही थी. I was liking again Kubra ko I think this is the third time I'm seeing I'm loving her reactions because wo jo squirm karte hai na because she knows she's done something wrong because they kept the camera on her for quite some time after Asim left
एंड सो दे वर शोइंग हर इमोशंस कि क्या हो रहा है यहाँ एंड शी इज फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज शी इज डन इट शी हैज डन द रॉन्ग थिंग तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा आई लव्ड हर परफॉर्मेंस शुड वी गो टू संगेमा नाउ वी कैन गो टू संगेमा यहाँ का तो आपको पता होगा आपका फेवरेट सीन शाजिया ये फेवरेट सीन वाली बात तुमने पहले बताई होती तो बताई होती मेरे फेवरेट सीन मैंने मैसेज किया था कल लेकिन बहुत दुखी थी कराची में कोई फेवरेट सीन का मैसेज नहीं किया आपने पूरा ड्रामा देखा मुझे तो पूरा ड्रामा बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक ये बड़ी मजे की एपिसोड है यार इसमें काफी कुछ हो गया यू नो ओके ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड द बेस्ट सीन व्हिच आई थिंक यू आर नॉट थिंकिंग बट इफ यू थिंक वाज द पॉइंट व्हेन हिलमन डिस्कवर्ड जब हिलमन ने ओवरहियर किया कि क्या हुआ था दिस वाज वन ऑफ द सीन्स वाकई जो कहते हैं ना कि चेहरे का रंग जो सूख गया वेरी वेरी गुड एक्टिंग देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम आतिफ असलम के एक तो हमें पता चला क्या हुआ लेकिन एक जो उनका रिएक्शन था और जिस तरह वो बैठ जाता है यूं करके वाज रियली नहीं मेरे लिए तो बहुत से सीन बड़े अच्छे थे वो भी अच्छा था जब हिलमत को जरगुन्ना बताती है कि हिकमत एंड गुलमीना लव ईच अदर उस वक्त जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो गुलमीना एंड जरगुन्ना के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सो मेरे लिए तो काफी सीन इम्पोर्टेंट है Nothing, I found it very interesting. मैं सोच रही थी, I was hoping कि मरजान ने उसको poison नहीं दिया होगा, लेकिन लग रहा है कि मरजान नहीं दिया, unless there was some misunderstanding जो बाद में जाके पता चले हमें. I'm really, really hoping, but maybe इस दफा हम देखेंगे कि एक वाकई character जो है वो grey नहीं है, black ही है. I still don't think मरजान ने क्योंकि उसने पूरी तरह इतराफ नहीं किया था हकीम के सामने मुझे लग रहा है वहां कुछ हुआ है या तो जरगुना के हाथ से दे दिया गया है अब ये मेरी प्रिडिक्शन है या कुछ और हुआ है से पहुंच गई हो तुम हाँ मुझे नहीं पता आई एम जस्ट अज्यूमिंग मुझे नॉट जरगुना सॉरी जरसंगा सॉरी एक तो ये दोनों के नाम मुझे एक से जरसंगा सो आई एम नॉट श्योर वट हैपन बट ही देयर स्टिल अ पार्ट ऑफ द स्टोरी वी डोंट नो So it's not that simple कि उसने जाके उसको murder कर दिया तो इसमें कुछ है अभी there is a twist in the tale जो हमें नहीं and संगीमा is very very capable of doing that with us हमें एक जगह पहुंचाते हैं लेकिन फिर उस जगह पहुंचाने से एकदम से वो twist कर देते हैं लेकिन देखो हिलमन जो है वो हिलमन ही है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा उसने सब सुना उसको धचका लगा लेकिन वो डीड है वो आ गया बाहर उसने कहा उसको बोलता है सबजली को मैं सबजली नहीं हूँ जो ये करूँ वो करूँ आई एम गोना स्टिक टू व्हाट आई हैव डिसाइडेड डिस्पाइट नोइंग कि हिकमत और गुलमीना एक दूसरे के व्हाई डू यू थिंक उसने जरगुन्ना को सारी बात बता दी मरजान की साफ साफ आई थिंक बिकॉज उसने बुलाया था पहले तो जरगुन्ना ने एंड देन I think he had to tell someone. उसने आके पूछा था, directly पूछा था. So he had to. मुझे लग रहा है वो allies ढूंढ रहा है. वो ढूंढ रहा है कि वो वैसे तो बड़ा strong बन रहा है, but उसको लग रहा है कि मरजान के against उसे लोग चाहिए. जिरका नहीं खड़ी हो रही ना. जिरका बैठ नहीं रही तो he's confused. कि अब मैं आके क्या करूँ? उसको लगा मे बी जरगुन्ना ऑलरेडी उसके इतने अगेंस्ट है, ये उसको बताएगा, ये उसको एम्युनेशन देगा, तो जरगुन्ना और भी उसको यूज करेगी एंड she will go against मरजान. लेकिन जरगुन्ना ने वो नहीं किया. I really like जरगुन्ना's character. Do you find it interesting कि कैसे हमें एक softer side नजर आ रही है जो है? I'm loving it, Sam, because you see they had built it up. अब इसको जो है ना, this is called character development. Yes. अभी तक हम तो कहते हैं कि भाई आपने इतना push कर दिया था, तो हम अब कैसे समझेंगे character को soft? लेकिन यहाँ you pushed her, लेकिन जब आपने उसको गुस्से में भी दिखाया, anger में भी दिखाया, तो आपने दिखाया कि उसकी वजह क्या थी. So you showed कि वो क्यों इतनी बिटर हो गई है और अब जब वो सॉफ्ट हो रही है उसकी भी आपने वजह दिखाई है क्योंकि आपने पहले सीन दिखा दिया था कि वो अपनी बेटी के पास बैठी हुई है उसको प्यार कर रही है और वो सोच रही है सो अब जब वो टर्न करेगी एंड देन दिस इज अ शॉक फॉर हर व्हाट शी फाउंड आउट जो इसने हिलमन से बात करी थी तो कह रही है मुझे फिक्स करना होगा ये सब कुछ क्योंकि तुमने तो कर दिया जो तुम्हें करना था सो शी इज रियलाइज शी हैज टू टेक थिंग्स इन हर ओन हैंड्स नाउ बिकॉज नो वन एल्स विल डू इट सो या नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसके कैरेक्टर की जो आर्क है एंड द सॉफ्ट साइड दैट वो दिखा रही है गुलमीना के लेकिन फिर भी वो आर्ग्यू करती है गुलमीना से वो गुलमीना से कहती है कि गुलमीना उसको लगा रही है सी गुलमीना इज नॉट एबल टू सी द सॉफ्ट साइड गुलमीना तो अभी तक अपनी माँ को उसी से देखे ना हम थर्ड पार्टियों के ऊपर से देख रहे हैं वो समझ स्ट्रगल गोइंग ऑन इनसाइड जरगुना आल्सो शी वांट्स टू बी सॉफ्ट
लेकिन जब गुलमीना उससे कह रही है कि आप छोड़ देना भूल जाए, वो कह रही है मैं कैसे तुम भूल जाओ, तुम जाके कर लो हिलमत से शादी। मुझे लगता है दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि अभी जरगुना को देखो, जरगुना अगर इस तरह की होती तो वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती, वो तो इस चीज को का एडवांटेज लेके काम खत्म करती है, हिकमत का या हिलमन का जो भी, वो बड़ी सोच समझ काम कर रही है, बिकॉज वो उसको अपनी बेटी का ख्याल है, अपनी बेटी की फीलिंग्स को सोच रही है, she's trying to figure out what is happening. लेकिन गुलमीना को ये सब नहीं पता, और गुलमीना अज्यूम कर रही है कि माँ अगेंस्ट ही जाएगी, माँ हिलमत को ये करेगी, माँ मरजान को मार देगी और वो कर देगी, तो जब वो ये कह रही है तो जरगुना चिढ़ के उसको जवाब दे रही है. सो आई फील देयर इज अ कम्युनिकेशन थिंग दैट्स हैपनिंग. गुलमीना भी स्लोली विल सी द सॉफ्टर साइड ऑफ हर मदर, शी इज नॉट अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. ये बात कब निकलेगी बाहर, क्योंकि शुरू में जब दिखाते हैं जब छोटे थे दोनों हिकमत और हिलमन, और जब मरजान खान ने कहा था कि तुम ही मेरे बेटे हो और तुम ही करोगे सब कुछ, तो आई थॉट कि ये आगे जाके छोटे वाले को कुछ तो दिल में कहीं लगेगा. सो आई एम रियली ग्लैड कि दे शोड दैट डायलॉग जिसमें उसने कहा कि अम्मा तुमने और अब्बा ने हमेशा उसको तरजीह दिया मुझसे. सो इट विल कम आउट. एंड थप्पड़ लगा, आई फील रियली बैड फॉर हिम. या बट वो नहीं ले सकती ना अपने बेटे हिलमन के अगेंस्ट, और उसको ये भी है कि दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो जाए, उसको इस बात का भी है. सो बट इंटरेस्टिंग था जाविया की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. आई वांट टू मेंशन हिम. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट शहरज़ाद एंड नादिया अफगान हमें नजर आई? इट वाज नाइस. आई लव्ड इट कि वो कह रही कि अच्छा ये चादर भी तुम्हें उसी ने दी थी. तो का मेरा फ्लूक था, काम कर गया, पता चल गया. इतना बड़ा लेक्चर कोई क्यों देगा, चादर क्यों देगा, हेलो भाई क्या वो आती जाती लड़की के साथ ऐसा कर रहा है? नहीं, कुछ तो होगा. अलग लहरा की कहानी और वो सब डायलॉग, वो तो वैसे ही लेक्चर दे देता है, वो तो आते जाते वो तो सब्ज़ अली को भी लेक्चर दे देता है, इसको भी दे दिया. हाँ, ऑफ कोर्स. हेलो, ऐसा लेक्चर नहीं देता सब्ज़ अली को जैसा शेर. हाँ, ऑफ कोर्स. एंड दैट सीन वाज वेरी मैजिकल. एंड उसने कुछ सोचा कि ये है क्या चीज और ये क्यों आई है यहाँ, क्या कर रही है, बट वो उसके फ्रेम ऑफ माइंड से निकल गया है क्योंकि अभी वो और इतनी सारी चीजों में मुब्तला है. सो शहरज़ाद हैज टू मेक अ री एंट्री इनटू हिज लाइफ for him to realize ki acha ye kuch hai, wo jayengi wapas. I liked inka Nadia Afghan ki character ka. I liked her reply ki tum kya ja rahi ho haq ke bare mein maloom karne ke liye ke mohabbat ke bare mein. It was very cute. It was nice. Achhi episode thi, maza aa raha tha dekh ke. I really liked it. Yeah. Theek hai ji, ab aap bataiye aapne kuch aur kehna hai warna hum wrap up kare. मैं क्या कहूँ आपसे, आपने कहा कि बेस्ट सीन आपने नहीं देखा, मैंने कोशिश करी थी, लेकिन मेरा बेस्ट सीन एक्चुअली था जो बिछड़ गए कि व्हेन सोनिया वाज लुकिंग फॉर हर फादर एंड जब उनको हार्ट अटैक हुआ इवन इन द हाउस एंड शी इज पिकिंग अप द फोन और अम्मा कहीं और चलती भी जा रही है, हारून कर रही है, फिर वो गाड़ी में, दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड स्ट्रेस वॉज रियली प्लेइंग अपॉन मी एंड इट वॉज वेरी स्केरी. एंड फिर उन्होंने कहा टॉर्च मत जलाए, बंद रखें, यहाँ हम नई लाइटें ऑन कर सकते हैं. तो बड़ी एक वीरानगी एंड डिजास्टर एंड ट्रॉमा एंड ट्रेजेडी ऑल केम टुगेदर. यू वर रियली फीलिंग फॉर हर एंड ग्रेट परफॉर्मेंस है माया अली, बिकॉज यू वर ऑल अलोन गिविंग दैट परफॉर्मेंस, इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू. सो इट वाज फॉर मी दैट वाज द परफॉर्मेंस एंड द सीन ऑफ द एपिसोड. एंड हैविंग फिनिश्ड दैट, आई जस्ट वांट टू से 12वां खिलाड़ी इज आउट. आपने थोड़ी देखी? नहीं, अभी नहीं देखा. या सो मैंने नहीं, आई डिडंट चेक कि टैप मैट कैसे मैं डाउनलोड करूं, लेकिन यूट्यूब पे मेरे पास 12 मिनट का फर्स्ट एपिसोड आ गया. आई थिंक दे आर शोइंग इट लाइक अ टीजर कि आप जाके फिर चेक करें. तो इट वाज इंटरेस्टिंग. सरमत खुसट नजर आए, और भी बाकी लोग जो थे वो भी नजर आए, एंड इट्स शुरू भी उनका जरा मजे का हुआ था. सो डू गो एंड वॉच इफ यू हैवंट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट वंस. आई थिंक उसके सारे एपिसोड्स 190 रुपीस से सब्सक्रिप्शन है. डू सब्सक्राइब प्लीज एंड जाके देखें. बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. कास्ट सब नए लोग हैं, बड़े डिफरेंट तरीके से उनको पिक्चराइज किया गया है, और OTT प्लेटफॉर्म है तो आपको बहुत ही एक नया फ्लेवर मिलेगा. मुझे लगता है हमारी वीडियो अभी गई है जिसमें 12वां खिलाड़ी की कास्ट के साथ हमने डायरेक्टर के साथ, मायरा के साथ, खाकान, शावीर, दानियाल, जफर, इन सब के
साथ गुफ्तगू की, वो सुनिए, उधर से भी आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। तो मुझे तो उनकी बातें सुन के, स्पेशली जो डायरेक्टर है अदनान सरवर शाजी, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी बातें सुन के मुझे ना, मैं ज्यादा मैं जाऊँ जाके देखूंगी, यू नो, बिकॉज ही ट्रीटेड इट डिफरेंटली एंड ही, यू नो, वी स्पोक अबाउट कि ओटीटी है तो आपके पास यू नो लिमिटेशंस कम है, रिस्ट्रिक्शंस कम है, तो उन्होंने वो बातें की हैं, तो आई रियली वांट टू कैच इट अप। मैं इंशाल्लाह अगले 3-4 दिनों में बिंज वॉच करूंगी सारा। Yes. For a shout out to the director, there was one scene in the first 12 minutes that I saw, which was very well directed, executed. जिसमें वो चार बच्चे होते हैं, मैं बताना नहीं चाह रही क्या होता है, but वो जब भाग रहे होते हैं किसी से, तो वो सड़क पे भाग रहे होते हैं, उनको बैरियर के ऊपर से छलांग लगानी थी, ये तीन थे या चार थे, तो एवरी टाइम ईच ऑफ देम जंप, एक तो वो जंप बड़े मजे की थी, उन्होंने फ्रीज किया पहले वाले को जंप पे, एंड देन द सेकंड वन ही वाज जंपिंग, दे फ्रोज, सो दैट वाज समथिंग नाइस एंड रिफ्रेशिंग टू वॉच, एंड आई होप दे कीप डूइंग दीस इंटरेस्टिंग थिंग्स टू ऐड मोर वाइब्रेंसी एंड कलर एंड एक्शन टू, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यंग पीपल, सो वी वांट टू सी द एक्शन। एंड अगर आपने 12वां खिलाड़ी देख लिया है लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मुनीबा बंजारी का इंटरव्यू आ चुका है, और कल 8 मार्च है, विमेन्स डे, वैसे तो पूरा महीना है विमेन का, तो डू गो एंड वॉच। आई हैव एक्चुअली जस्ट वॉच द टीजर राइट नाउ जो हम लोगों ने पोस्ट किया है मुनीबा मजारी का, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड आई वॉन्ट टू गो एंड वॉच इट आराम से। शी हैज अ लॉट टू से एंड शी हैज थिंग्स दैट विल मेक यू थिंक एंड दैट विल मेक यू वंडर कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हमें कहाँ जाना चाहिए और हम कहाँ हैं। एंड शी इज वंडरफुल, शी इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग, एंड थैंक यू सो मच मुनीबा एंड राबिया फॉर गिविंग अस। आई जस्ट वांट टू से, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुनीबा की वही बातें होंगी और वही कहानी होगी, प्लीज डू वॉच इट, आई ट्राइड रियली हार्ड विद द हेल्प ऑफ शाजिया एंड माय होल टीम, एंड यस उसमें कुछ नई चीजें आपको सुनने को जरूर मिलेंगी, तो डू वॉच इट। यस, पीपल आर वॉचिंग, सो जॉइन देम एंड वॉच विद देम। चलो जी, अब हम चलते हैं, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, एंड आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।